आज दिनांक 5 अगस्त 2023 को एसपी सिटी के द्वारा थाना एका में सराफा कारोबारी से एनजीओ की रजिस्ट्रेशन कराने के नाम पर 64 लाख की ठगी करने वाले 3 अभियुक्तों के मामले का किया गया अनावरण। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक फिरोजाबाद के निर्देशन में अपर पुलिस ग्रामीण की परीक्षण में तथा क्षेत्रकारी जसराना के कुशल नेतृत्व में थाना एका पर पंजीकृत मुकदमा विभिन्न धाराओं में वांछित अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु चलाई जा रहे अभियान के क्रम में थाना एक पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत लगनशील एवं पतासी सुराग रस्सी के आधार पर चेकिंग के द्वारा मुखबिर की खास सूचना पर 3 अभियुक्तों को रजाबरी चौराहे से किया गया गिरफ्तार। वहीं थाना जवाहर नगर जयपुर राजस्थान सुशील पुत्र रमेश सिसोदिया निवासी जी पोस्ट पर स्थित थाना सादाबाद जिला हाथरस इन तीनों आरोपियों को विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई करते हुए भेजा गया जेल। सर, फ्रॉड का मुकदमा पंजीकृत किया गया था जिसमें वहां के एक व्यापारी के साथ लगभग 64 लाख रुपए का फ्रॉड किया गया था। डिफरेंट प्रिटेक्स्ट पे उनको एनजीओ खोलने के नाम पे और बाहर की फंडिंग दिलाने के नाम पर FIR रजिस्टर करने के बाद हमारी जो साइबर सेल फिरोजाबाद की टीम है, इन लोगों ने बड़ी मेहनत करके इस पूरे नेटवर्क जो एक इंटरस्टेट गैंग है फ्रॉड करने का, उसको इन लोगों ने बस्ट किया है और उसके 3 शातिर इंक्लूडिंग मास्टरमाइंड को इन लोगों ने अरेस्ट किया है। इसमें गुड़गांव, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के जो इस गैंग के मेम्बर्स हैं, इन सब लोगों ने गैंग बना करके और RBI कुछ लोग रेवेन्यू के अफसर्स बन के इस तरीके से लोगों के साथ बहुत लंबे और बड़े अमाउंट्स को ड्यूप किया है। उसी क्रम में जो हमारे यहाँ एका के व्यवसायी थे उनके साथ ये 64 लाख रुपया ड्यूप किया गया। इसमें हम लोगों ने 3 को अरेस्ट किया है, बाकी इस गैंग के 6 मेम्बर अभी एट लार्ज हैं, उनको भी बहुत जल्दी अरेस्ट करेंगे। इन लोगों के पोजिशन से हम लोगों ने 4-5 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं, कुछ गोल्ड के आइटम्स बरामद हुए हैं, कुछ डायमंड्स के आइटम बरामद हुए हैं और 2 कार बरामद हुई हैं और उसके अतिरिक्त कुछ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो अपने पूरे फ्रॉड में ये यूज़ कर रहे थे उसको हम लोगों ने इनसे रिकवर किया है। लगभग 35 लाख की रिकवरी हुई है और बाकी जो और भी अकाउंट्स जहाँ पैसे गए हैं उसको भी हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं। बाकी जो 6 लोग हैं उनको अरेस्ट करने के लिए हमारी टीम लगी हुई है, उनके पास भी कुछ इस पूरे जो अमाउंट था उस अमाउंट का कुछ उनके पास भी पैसा है, उनसे भी रिकवर किया जाएगा। इस प्रकार गैंग का हमारी जो फिरोजाबाद साइबर सेल की टीम है और जो एका थाने की टीम है, इन लोगों ने मिल करके इसको वर्कआउट किया। इन्होंने जो पैसा देखिए इसमें बहुत जगहों पे इन्होंने दिया है, कुछ तो इन लोगों ने संभवतः कुछ कर्ज के पैसे बता रहे हैं कि कर्ज के रूप में किसी को दिया गया है, उसको भी हम लोग रिकवर करने के प्रोसेस में लगे हुए हैं। कुछ डिफरेंट अकाउंट्स में गए हैं, वहाँ के बैंक से भी हम लोग टच में हैं। कुछ पैसे ये लोग जब पैसा इन लोगों ने इतना फ्रॉड कर लिया था उसके बाद ये सेलिब्रेट करने गोवा गए थे, एक बड़ा अच्छा खासा अमाउंट इन लोगों ने गोवा के ट्रिप पे खर्च किया है।